हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज हम बनाएंगे सूजी केक बिना मैदे और आटे का। इसके लिए सामान मैंने लिया है 1 कप सूजी और उसका 1/4 कप चीनी। दोनों को हम ग्राइंडर में डालकर फाइन सा पाउडर बना लेंगे। ये देखिए, हम ग्राइंडर में इसको डाल दिए हैं। अब ये हमारा फाइन सा पाउडर बनकर तैयार हो जाएगा। सूजी और चीनी को मैंने साथ में ही डाल दिया है ग्राइंडर में और इसका बहुत बढ़िया सा फाइन सा पाउडर बनकर ये देखिए तैयार हो गया है। इसमें अब देखिए क्या क्या डलेगा। 1/2 कप घी और 1/2 कप दही और 1 कप के लगभग मैंने दूध ले लिया है। ये सारे सामान इसमें डलेंगे। आप चाहें तो इसको बाउल में निकाल कर अलग से सारा डालकर मिक्स कर लीजिए। हम तो इसी ग्राइंडर में ही, ये देखिए अपना 1/2 कप घी डल गया और 1/2 कप दही डाल लेंगे और दूध 1 कप के करीब में डालकर इसको अच्छे से ग्राइंड करेंगे। अब हम देखिए इसमें दही डाल दिए हैं। अब हमारा ये बढ़िया सा पेस्ट हम बना लेंगे। ग्राइंड में ही बनाएंगे, आप चाहे तो बाउल में भी मिक्स कर सकते हैं। देखिए हमारा फाइन सा पेस्ट बनकर तैयार हो गया है। अगर आप सूजी का कोई भी आइटम बनाएं तो उसको 1/2-1 घंटा के लिए रेस्ट पर ज़रूर रखें। इससे क्या होता है कि हमारा बिल्कुल सूजी उसी में फर्मेंट हो जाता है और अच्छा सा स्पंजी और फ्लफी सा हो जाता है उसका बैटर। ये देखिए 1 घंटे के रेस्ट के बाद सूजी हमारी बिल्कुल अच्छे से तैयार हो गई है बिल्कुल। अब इसमें हम नारियल, डेसिकेटेड नारियल डालेंगे और इसको डालकर अच्छे से मिक्स करेंगे। 1/2 कप के लगभग में रहेगा हमारा नारियल। अब इसके बाद हम मिल्क पाउडर ऐड करेंगे 1 कप। और इससे क्या होता है ना, हमारा बिल्कुल बैटर ऐसा होता है जैसे मावा जैसा स्वाद आता है इसमें। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। इसके बाद हम इसी में सोडा मिलाएंगे 1/2 चम्मच के लगभग में बेकिंग सोडा, और इसके बाद बेकिंग पाउडर भी इसी में 1/2 चम्मच ऐड करेंगे। दोनों को अच्छे से मिक्स करेंगे। ये बेटर हमारा जितना मतलब को हमको चाहिए था, जितना गाढ़ा उतना ही है। अब इसे मतलब कि अच्छे से बना सकते हैं। अब हम कढ़ाई में नमक ले लेंगे और नमक को हम अब नमक में ही स्टैंड रखेंगे और नमक हमारा गर्म हो जाए इसके बाद ही इसमें हम अपना बैटर रखेंगे। अब हम अपने बैटर को इसमें टिफ़िन में बढ़िया डाल लेंगे। आप कोई सा भी बर्तन ले सकते हो, चाहे जो बर्तन लीजिए, चाहे गोला लीजिए, आप कोई सा भी बर्तन ले सकते हैं इसमें डालकर। और ये देखिए हमारा नमक गर्म हो गया है। अब इसी में हम अपना बैटर रख देंगे। कम से कम ये 45 मिनट तक रखेंगे, इसको लो फ्लेम पर ही रखेंगे। अवन में भी इसको रख सकते हैं 100 डिग्री पर, और इसको कढ़ाई में भी पका सकते हैं। ये देखिए हमारा पक गया है। अब इसको हम केयरफुली निकाल लेंगे। इसको ठंडा होने के बाद ही इसको बॉक्स से निकालें। ये देखिए हमारा सूजी केक बनकर तैयार हो गया है, स्पंजी सा है बिल्कुल। अब इसको अब बॉक्स को ऐसे ही पलट देंगे, बड़े आराम से ये निकल जाएगा। और इसको अपना सिल्वर फॉइल हटा के इसके ऊपर हम जैम लगाएंगे और जैम लगाकर अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। और इसी के ऊपर हम नारियल का बुरादा डालकर अच्छे से गार्निश करेंगे। और इसके बाद हम इसको चाकू से स्लाइसों में कट कर लेंगे और इसके बाद सर्व करेंगे। बहुत ही अमेजिंग सा बनकर तैयार हुआ है। अगर आपको ये अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब भी करें। ये देखिए कितना अच्छा सा बनकर तैयार हुआ है, बिल्कुल ही परफेक्ट बना हुआ है और बहुत ही यम्मी है। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।